तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द वायरल स्टडी में। दोस्तों आज हम एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जी हाँ दोस्तों, जो है DRDO के कट ऑफ से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा ट्रेड वाइज कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहा DRDO का। जैसा कि आप सभी को पता होगा 28 से 30 तारीख के बीच में DRDO के एग्ज़ाम चले हैं दोस्तों। अलग अलग जगह पर अलग अलग सेंटर के माध्यम से DRDO का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे ट्रेड वाइज कट ऑफ क्या रहा, कितना जा सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और दोस्तों क्या आंसर की आएगी, क्या नॉर्मलाइजेशन के इस पर असर होगा या नहीं होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन होना है या नहीं होना, दोस्तों संपूर्ण जानकारी दूंगा एक ही वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ITI से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, फ्री ITI थ्योरी क्लासों के लिए, फ्री नोट्स के लिए, और दोस्तों ITI से जुड़ी न्यू वैकेंसी के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। और कट ऑफ जानने के लिए आपको चलना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी www.thewiralstudy.com। इस पर चल के अपन जानेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ट्रेज वाइज कट ऑफ रहेगा दोस्तों। ये वीडियो मैं कल रात को भी बना सकता था, लेकिन दोस्तों मैंने कल रात को और इसके पहले दोस्तों जो ग्रुप हैं DRDO से जुड़े जो ग्रुप हैं दोस्तों, उनमें सभी बच्चों के कमेंट और सभी के नंबर का एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ बना रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए अपन चलते हैं ऑफिशियल साइट पर, उस पर जानते हैं ट्रेड वाइज कट ऑफ। तो दोस्तों ट्रेड वाइज कट ऑफ जानने के लिए आपको आना होगा गूगल क्रोम ब्राउजर पर, और इस पर सिंपली टाइप करना होगा www.thewiralstudy.com। ये लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और यूट्यूब के थंबनेल में मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ से अपन कर लेंगे इसको डेस्कटॉप साइड। इसके लिए अपन को चलना होगा DRDO के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, उस पर चलेंगे साथ ही जानेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो दोस्तों आपको सिंपली पहली पोस्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से कर दीजिए आप पहली पोस्ट पर क्लिक गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट 2019 पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस टाइप का एक इंटरफेस खुल के सामने आएगा, आपको जाना है सबसे नीचे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा DRDO रिक्रूटमेंट 2019 और यहाँ मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है दोस्तों। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद इस टाइप का एक इंटरफेस खुलेगा सामने आएगा दोस्तों। यहाँ ये आ गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों, यही नोटिफिकेशन आया था सबसे पहले। यहाँ पे अपन जाएंगे ट्रेड वाइज कट ऑफ दोस्तों, क्योंकि ट्रेड बहुत सारी है, बहुत सारी ट्रेड हैं। तो दोस्तों सबका कट ऑफ जानेंगे वैकेंसी वाइज, कितनी वैकेंसी थी और इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल की। तो यहाँ पे दोस्तों ऑटोमोबाइल में SC की एक वैकेंसी थी, OBC की एक वैकेंसी थी, जनरल की एक वैकेंसी थी, तो टोटल 3 वैकेंसी थी। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल का जो कट ऑफ जाने वाला है वो बहुत ही हाई जाएगा, लगभग 128 से 130 के बीच में रहने वाला है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, और 125 के आसपास रहेगा OBC की कट ऑफ। वहीं SC की बात कर लें तो SC का कट ऑफ 120 के आसपास रहने वाला है, ST का कट ऑफ 115 के आसपास रहेगा दोस्तों। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, वैकेंसी वाइज वैकेंसी बहुत कम थी इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है, और चूंकि आपको पता होगा माइनस मार्किंग नहीं थी। अब बात कर लेते हैं बुक बाइंडर की। बुक बाइंडर में दोस्तों एक SC में वैकेंसी थी, एक OBC में वैकेंसी थी और 9 वैकेंसी थी जनरल में, टोटल थी वैकेंसी 11 दोस्तों। बुक बाइंडर की 11 वैकेंसी थी, तो यहाँ पे जनरल का जो कट ऑफ रहेगा 120 के आसपास रहने वाला है दोस्तों। जनरल का कट ऑफ 120 के आसपास रहने वाला है, 120 प्लस सभी कैंडिडेट कट ऑफ का सिलेक्शन हो सकता है। वहीं OBC की बात कर लें तो OBC कट ऑफ 118 के आसपास रहेगा, SC कट ऑफ 115 के आसपास और ST कट ऑफ 112 के आसपास रहने के चांसेस हैं दोस्तों बुक बाइंडर में। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कारपेंटर की। कारपेंटर जो वैकेंसी निकली थी इसमें SC की एक पोस्ट थी, OBC की दो पोस्टें थी, जनरल की एक पोस्ट थी, टोटल 4 पोस्टें थी। 4 पोस्टों के लिए दोस्तों यहाँ कट ऑफ की बात कर लें तो इसका कट ऑफ 122 के आसपास रहेगा जनरल कैटेगरी का। उसके साथ ही OBC की बात कर लें तो OBC 120 रहने के चांसेस हैं। SC की बात कर लें तो SC 118 और ST के वालों का 115 के आसपास रहेगा दोस्तों, चूँकि वैकेंसी कम थी इसीलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कोपा की। कोपा में बात कर लें तो SC की 4 वैकेंसी थी, ST की 4 वैकेंसी थी, OBC की 15 वैकेंसी थी, EWS वालों के लिए 8 वैकेंसी थी और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 24 वैकेंसी। इस तरीके से दोस्तों टोटल 55 वैकेंसी थी कोपा कैटेगरी वालों के लिए। तो कोपा की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पर जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा लो रह सकता है, यहाँ पर 118 के आसपास जनरल का कट ऑफ रह सकता है। OBC की बात कर लें तो OBC 115 के आसपास रहेगा, SC की बात कर लें तो SC 112 के आसपास रह सकता है, और दोस्तों ST की बात कर लें तो ST 108 के आसपास रहेगा यदि आप कोपा ट्रेड से आपने अप्लाई किया है तो। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की, ड्राफ्टमैन
मैकेनिकल की वैकेंसी की बात कर लें तो यहाँ पर एससी की 3 पोस्टें थी, एसटी की 2 पोस्टें थी, ओबीसी की 3 पोस्टें थी, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्टें थी और 9 पोस्टें थी जनरल कैटेगरी की। इस तरीके से दोस्तों टोटल 20 पोस्टें थी। यहाँ पर मैकेनिकल की बात कर लें तो दोस्तों मैकेनिकल का जो कट ऑफ रहने वाला है यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ 125 के आसपास रहेगा दोस्तों, चूँकि मैकेनिकल ट्रेड्स बहुत सारे कैंडिडेट आईटीआई करते हैं, तो जनरल का कट ऑफ 125 के आसपास, ओबीसी का कट ऑफ 122 के आसपास रहेगा दोस्तों। एससी की बात कर लें तो एससी का कट ऑफ 120 के आसपास और एसटी का कट ऑफ 118 के आसपास रहने के चांसेस हैं दोस्तों ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डीटीपी ऑपरेटर, डीटीपी ऑपरेटर की बात कर लें तो यहाँ पर एससी की एक वैकेंसी थी, एससी की एक वैकेंसी थी और ओबीसी की एक वैकेंसी थी, टोटल 2 वैकेंसी थी। तो दोस्तों ओटीपी की जो कट ऑफ जाएगा 125 के आसपास रहेगा जनरल का, इसमें 1 से 2 नंबर कम करने के बाद अदर कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड की, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, जिसमें दोस्तों वैकेंसी अच्छी खासी थी। एससी की 3 एससी की 5 वैकेंसी थी और यहाँ पे दोस्तों ये कौन सी एसटी की 3 वैकेंसी थी यहाँ पे और ओबीसी की 9 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस की दोस्तों यहाँ पे 3 वैकेंसी थी, 29 वैकेंसी थी जनरल कैटेगरी वालों की, यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी 49 दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन में 49 टोटल वैकेंसी थी और यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा लो दोस्तों, यहाँ पे 128 के आसपास रहेगा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन से बहुत सारे कैंडिडेटों ने आवेदन किए थे, सबसे ज़्यादा एटलीस्ट सबसे ज़्यादा आवेदन आए थे इलेक्ट्रीशियन से। तो दोस्तों यहाँ पे 128 के आसपास रहेगा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, ओबीसी का 125 के आसपास, एससी का 122 के आसपास और एसटी का 120 के आसपास रहने के चांसेस हैं दोस्तों इलेक्ट्रीशियन में कट ऑफ। और दोस्तों चूंकि माइनस मार्किंग इसमें थी नहीं तो इसलिए ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में एससी की 6 वैकेंसी थी, एसटी की 3 वैकेंसी थी, ओबीसी की 9 वैकेंसी थी दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी थी और यहाँ पर जनरल की 14 वैकेंसी थी। इस तरीके से टोटल 37 वैकेंसी थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जनरल का कट ऑफ 122 से ज़्यादा नहीं जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ 122 के आसपास रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों ओबीसी की, तो ये ओबीसी 120 रहने के चांसेस हैं और एससी की बात कर लें तो दोस्तों एससी 115 और एसटी 110 के आसपास रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फेडरल ट्रेड की, फेडरल ट्रेड में एससी की दोस्तों यहाँ पे 9 वैकेंसी थी, एसटी की दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 4 वैकेंसी थी, ओबीसी की दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ओबीसी की वैकेंसी 12 थी और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 7 थी, टोटल 27 वैकेंसी थी फेडरल ट्रेड में। तो दोस्तों 27 वैकेंसी थी फेडरल ट्रेड में, यहाँ पे फेडरल का कट ऑफ की बात कर लें तो लगभग 126 के आसपास रहेगा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। इसके बाद दोस्तों ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी 124 के आसपास रहने के चांसेस है, एससी की बात कर लें तो 120 रहेगा, एसटी की बात कर लें तो 118 के आसपास रहेगा फेडरल ट्रेड का कट ऑफ। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मशीनिस्ट की, मशीनिस्ट ट्रेड में 1 एससी की वैकेंसी थी, 1 एसटी की वैकेंसी थी, इसके बाद दोस्तों 12 वैकेंसी थी ओबीसी की, 5 ईडब्ल्यूएस की टोटल और जनरल कैटेगरी की 25 वैकेंसी, इस प्रकार से टोटल 44 वैकेंसी थी मशीनिस्ट में। दोस्तों ये सिंपल मशीनिस्ट ट्रेड है, इसमें दोस्तों टोटल 44 वैकेंसी थी। अब इसके कट ऑफ की बात कर लें तो 128 के आसपास रहेगा दोस्तों मशीनिस्ट का कट ऑफ, जी हाँ दोस्तों 128 के आसपास रहेगा, 125 के आसपास रहेगा ओबीसी का कट ऑफ, क्योंकि ओबीसी की सीटें भी थोड़ी अच्छी थी, 12 सीटें थी ओबीसी की। इसके बाद एससी की बात कर लें तो दोस्तों एससी की जो कट ऑफ जाएगा 120 के आसपास और एसटी का कट ऑफ 115 के आसपास रहने वाला है मशीनिस्ट में। अब मैकेनिकल डीजल की बात कर लेते हैं दोस्तों, मैकेनिकल डीजल की बात कर लें तो यहाँ पे एससी की कोई वैकेंसी नहीं, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं, 3 वैकेंसी थी ओबीसी की और 4 वैकेंसी थी दोस्तों जनरल की, इस प्रकार से टोटल 7 वैकेंसी थी डीजल मैकेनिक में। तो यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो कट ऑफ इसका हाई जाने वाला है दोस्तों 130 के आसपास रहेगा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, इसके बाद दोस्तों 125 के आसपास रहेगा ओबीसी का कट ऑफ और एससी की बात कर लें तो 122, एसटी की बात कर लें तो 120। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ट्रेड करके रखते हैं, डीजल मैकेनिक के बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो एसटी का कट ऑफ 120 के आसपास, एससी का 122, ओबीसी का 125 और जनरल का 130 के आसपास रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे एसटी की एक सीट है यहाँ पे दोस्तों और ओबीसी की एक सीट है, 2 जनरल की सीटें हैं, टोटल 4 सीटें थी दोस्तों। यहाँ पे जो कट ऑफ जाने वाला है जनरल का 120 के आसपास रहेगा, जी हाँ दोस्तों इसका कट ऑफ बहुत कम रहेगा क्योंकि स्टेट से बहुत कम कैंडिडेट आईटीआई करते हैं, तो 120 के आसपास रहेगा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। इसके बाद दोस्तों ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी 117 के आसपास रहने वाला है, एसटी की बात कर लें तो दोस्तों एससी की बात कर लेते हैं, एससी की 115 और एसटी की बात कर लें तो 112 के आसपास रहेगा
मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कट ऑफ। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मोटर मैकेनिक का। दोस्तों मोटर मैकेनिक में टोटल 2 सीटें थी, वो भी जनरल की। इसमें कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट आवेदन कर सकता था। टोटल 2 पोस्टें थी, तो मैकेनिक मोटर मैकेनिक का जो कट ऑफ है वो अच्छा खासा रहने वाला है, लगभग 135 के आसपास रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 2 सीटों के लिए बहुत सारे आवेदन आए होंगे और दोनों में सभी कैटेगरी के लिए दोस्तों 135 जनरल का कट ऑफ रहेगा और एससी एसटी के लगभग 102 नंबर कम होंगे। दोस्तों 125 प्लस वाले थोड़ी बहुत उम्मीद रख सकते हैं मोटर मैकेनिक के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं पेंटर ट्रेड की। पेंटर के लिए दोस्तों यहाँ पर एससी की एसटी की कोई वैकेंसी नहीं थी। एससी की दोस्तों 1 वैकेंसी थी और ओबीसी की 1 वैकेंसी थी। टोटल 2 वैकेंसी थी, मतलब इसमें जनरल कैटेगरी का आवेदन नहीं हुआ होगा दोस्तों। जनरल कैटेगरी वाले ने किसी ने भी आवेदन नहीं किया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लें तो मैक्सिमम इसका कट ऑफ 115 जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी का कट ऑफ 115 रहेगा, एससी का कट ऑफ 112 और एसटी का कट ऑफ 110। यदि आप इंटर ट्रेड से आपके 110 नंबर आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फोटोग्राफर की। फोटोग्राफर में दोस्तों 2 ओबीसी की सीटें थी और यहाँ पे 5 सीटें थी जनरल की। टोटल 7 सीटें थी दोस्तों। 7 सीटों के लिए फोटोग्राफर का जो कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों 125 के आसपास रहेगा। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 122 के आसपास रहेगा। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 118 के आसपास रहेगा। एससी का कट ऑफ और एसटी का कट ऑफ 115 के आसपास रहने के चांसेस हैं फोटोग्राफर में। इसके बाद दोस्तों सीट मेटल वर्कर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 पोस्टें थी ओबीसी की, 5 पोस्टें थी जनरल की। इस प्रकार से टोटल 7 पोस्टें इसमें भी थी दोस्तों सीट मेटल वर्कर में। तो यहाँ पे जनरल का जो कट ऑफ जाने वाला है 122 के आसपास रहेगा। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 122 के आसपास रहेगा। ओबीसी का 120 के आसपास रहेगा। एससी की बात कर लें तो दोस्तों एससी का 118 के आसपास रह सकता है और एसटी की बात कर लें तो 115 के आसपास रहेगा। दोस्तों कट ऑफ हाई लग रहा होगा लेकिन इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी। बहुत सारे कैंडिडेटों ने आवेदन किए थे और बहुत सारे कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिए थे, तो इतना ही कट ऑफ जाएगा दोस्तों। टर्नर की बात कर लेते हैं। अब टर्नर ट्रेड में एससी की बात कर लें तो 3 सीटें थी। एसटी में 2 सीटें थी, ओबीसी के लिए 6 सीटें थी, 1 सीट थी ईडब्ल्यूएस के लिए, 12 सीटें थी जनरल कैटेगरी वालों के लिए। इस प्रकार से टोटल 24 सीटें थी टर्नर ट्रेड वालों के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ की बात कर लें तो लगभग 128 तक जाने के चांसेस है। जनरल कैटेगरी के कट ऑफ 128 के आसपास रहने वाला है। ओबीसी का 125 के आसपास रहने वाला है। एससी का कट ऑफ 122 के आसपास रहेगा दोस्तों। और एसटी की बात कर लें तो 118 के आसपास रहने वाला है टर्नर ट्रेड का कट ऑफ। दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ग्रुप में बच्चों के जो भी नंबर आए हैं उस हिसाब से कट ऑफ मैंने बनाया है, जो भी एनालिसिस करने के बाद दोस्तों ये कट ऑफ बनाया है। वेल्डर की बात कर लेते हैं दोस्तों, आज की लास्ट ट्रेड है वेल्डर ट्रेड। वेल्डर में दोस्तों 2 एससी की सीट है, 2 एसटी की सीट है और यहाँ पे 4 ओबीसी की सीट है, 2 ईडब्ल्यूएस की, 4 जनरल की। इस प्रकार से टोटल 14 सीटें थी वेल्डर ट्रेड में दोस्तों। वेल्डर ट्रेड के कट ऑफ की बात कर लें तो यहाँ पे लगभग 125 के आसपास रहने वाला है वेल्डर ट्रेड का कट ऑफ जनरल कैटेगरी में दोस्तों। ओबीसी की बात कर लें तो 123 के आसपास रहेगा। ओबीसी का कट ऑफ 120 के आसपास रहेगा। एससी का कट ऑफ 118 के आसपास रहेगा। एसटी का कट ऑफ वेल्डर ट्रेड में दोस्तों ये था ट्रेड वाइज कट ऑफ। दोस्तों बहुत सारी ट्रेडें थी, मैंने सभी का कट ऑफ बनाया। बहुत एनर्जी लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में और एनालिसिस करने में। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ था ट्रेड वाइज कट ऑफ था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आंसर की बात कर लें तो दोस्तों अभी DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं आया। 102 दिन के बाद दोस्तों हो सकता है आंसर की आपकी रिलीज़ हो जाए, तो उसमें आपके मार्क्स आप मिला सकते हैं पेपर में, एग्जाम में अपने मार्क्स का एनालिसिस कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात कर लें तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लगभग 6 सेप्टों में ये पेपर कंडक्ट हुआ, 6 से 7 लगभग 6 सेप्टों में ये पेपर कंडक्ट हुआ। तो 3 दिन पेपर चला है दोस्तों, 2 सेप्टों में ये पेपर कंडक्ट हुआ था, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आपके 102 नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो चल देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई DRDO से जुड़ी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ITI से जुड़ी पल के अपडेट के लिए, फ्री नोट्स के लिए और ITI से जुड़ी वैकेंसी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।